जिला कांगड़ा के नगरोटा सूर्या में खुले में मृत पड़े पशुओं से लोगों को गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। ये मरे हुए आवारा पशु एक सप्ताह से खुले में पड़े हैं और इन्हें कोई नहीं उठा रहा। बदबू से क्षेत्र में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। नगरोटा सूर्या के खेल मैदान पर करीब 10 मरे हुए पशु पड़े हैं और कुछ मरे हुए पशुओं के कंकाल भी यहाँ पर हैं। कुत्ते और पक्षी इन मरे हुए पशुओं को नोच नोच कर खा रहे हैं। इन पशुओं के कारण कोई भयानक बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों का कहना है कि नगरोटा में गंदगी से बुरा हाल है और चारों तरफ बदबू फैली हुई है। हैरानी इस बात की है कि 100 मीटर दूरी पर नगरोटा सूर्या का स्वास्थ्य केंद्र है और इस स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के सामने भी एक मरा हुआ पशु पड़ा है। इस अस्पताल में आने जाने वाले सभी व्यक्ति मुंह पर मास्क पहन कर निकल रहे हैं। मेरा नाम दिनेश पठानी है और मेरे यहाँ पे मेडिकल शॉप है। मैं काफ़ी साल से यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बरसात के मौसम में भी और आजकल सर्दियों में भी आए दिन यहाँ पे पशु मरते रहते हैं। ना तो प्रशासन इसकी सुध लेता है, ना कोई भी लेता है। यहाँ से हॉस्पिटल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। आए दिन यहाँ पे पेशेंट आते रहते हैं, तो बीमारी फैलने का भी डर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो कृपया करके आप इसमें थोड़ा सा गौर करें, हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है। मेरा नाम रेखा है, मैं इस ग्राउंड के पास ही मेरा घर है और 3-4 दिन से यहाँ पशु मरे पड़े हैं। 3-4 गायें मरी पड़ी हैं, कोई इनको इसी ने नहीं उठाया। बीमारी फैलने का पूरा खतरा है, कोई भी भयंकर बीमारी फैल सकती है, इसका कोई प्रबंध किया जाए। यहाँ पर स्थानीय यहाँ पर ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, स्कूल बच्चों का खेलने का ग्राउंड है। यहाँ पर 3-4 दिन से पशु मरे हुए हैं, 2-3 पशु। बुरी हालत है यहाँ पर। 100 मीटर यहाँ से साथ में ही हॉस्पिटल है, आने यही रास्ता है मरीजों को आने जाने का, कोई भी नहीं, पंचायत भी नहीं पशु को। सिटी चैनल के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।